हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिकेलिस। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप आई शेडो से नेल पॉलिश कैसे बनाएं। ये देखिए, ओनली टू इंग्रेडिएंट्स चाहिए नेल पॉलिश बनाने के लिए। ये देखिए, एक आई शेडो ले लीजिए, आप जो भी कलर के बनाना चाहें वो कलर ले लीजिए, आई शेडो ले लीजिए, आप मैट आई शेडो भी ले सकते हैं, और मैंने डिप वाली भी बताई है, आप वो भी देख सकते हैं, और जो साइडों में नेल के लगाते हैं नेल टेप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिए। तो एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश चाहिए, नेल पेंट ट्रांसपेरेंट ही चाहिए। ये देखिए, एकदम क्लियर क्रिस्टल है, इसको लीजिए और एक कागज़ में आई शेडो निकालिए और ऐसे कर कर, और ऐसे कर कर इसमें डाल दीजिए और डाल दीजिए, जिससे कलर एकदम अच्छा आए। हमें ट्रांसपेरेंट ही नेल पेंट लेनी है। अब आप इसको लीजिए और ऐसे कर कर मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरी बन गई है। अब मैं इसको लगा कर दिखाती हूँ। ये इसका ग्लिटर कलर आया है और बहुत प्यारा कलर आया है इसका। अगर आप इसका, आपको इसका कलर हल्का लगे, मतलब डार्क नहीं लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा और ग्लिटर डाल दीजिए आई शेडो, तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। और फिर आप इसको ऐसे कर कर मिक्स कर लीजिए। अब देखिए, इसका कलर एकदम प्यारा लग रहा है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, रेड कलर आया है और ग्लिटर में आया है। आप मैट बना लीजिए अगर आपको मैट बनाना है, और आप इससे अपना मन पसंद कलर बना सकते हैं। जो आपको पसंद आए कलर, आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू, और जैसी भी बनाना चाहे वैसी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।